दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इजी फिल्म्स। मैं अमित। कल रात को एक रेस्क्यू के लिए कॉल आया था दोस्तों किरंदुल राम मंदिर से, जहाँ से हमारी टीम के एक मेंबर ने एक सांप निकाला है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वो कौन सा सांप है, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी दे देंगे और आपसे कुछ और बातें जो हैं हम शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा सांप है। सबसे पहले मैं आपको डब्बे से ये सांप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हमने पहले भी आपको कई बार ये सांप दिखाया है। ये है दोस्तों एक रफ स्केल सैंड बोआ, जिसे हिंदी में दो मुहा सांप भी कहा जाता है। ये सीज़न में ये काफ़ी निकलते हैं, मेटिंग सीज़न होता है इनका, शिकार करने का यही सीज़न होता है इनका। ठंडियों में ये नींद में चले जाते हैं दोस्तों, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हमने इस सांप से जुड़े सारे फैक्ट्स आपको पहले ही दे दिए हैं, तो आगे और क्या 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 बताएं, बस आप इसका साइज़ देखिए। ये लगभग इसी साइज़ का होता है दोस्तों, 4 से 4.5 फिट इसका मैक्सिमम साइज़ होता है। और जैसा कि हमने बताया था, इसके मुंह में लगभग 100 सेट ऑफ टीथ होते हैं, यानी कि लगभग 200 दांत होते हैं। इसकी बाइट काफ़ी पेनफुल हो सकती है, हालांकि काफ़ी शांत सांप होता है ये, लेकिन अगर इसे डराया जाए तो ये बाइट भी कर सकता है। जहर नहीं होता इसमें दोस्तों, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होने का पूरा डर जो है वो लगा रहता है। तो दोस्तों आइए इसे बाहर निकालते हैं और इसे रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए और कुछ है नहीं। हमने इसका दांत भी आपको दिखाया, इसके पैटर्न भी आपको बता चुका है, और कैसे ये चलता है, क्या इसके शिकार हैं वो मुख्य, इसके दिखने का समय कौन सा है, ये सब हमने पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। कुछ एक पॉइंट्स है दोस्तों जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले इसे छोड़ दें, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम इसे जंगल की ओर लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा और अंदर इसे जंगल में छोड़ना चाहेंगे हम, ताकि ह्यूमन कांटेक्ट में कम से कम आए, क्योंकि ये बहुत स्लो सांप होता है, तो इसे ह्यूमन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। अब ये चला जाएगा जंगल की ओर, उम्मीद है कि ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। काफ़ी स्लो है, लेकिन ये अपना रास्ता बना ही लेगा और अपना घर यहाँ पे ढूंढ ही लेगा। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी साइज़ का ये सांप है और बहुत ही धीरे धीरे ये जंगल की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों सांप को इस तरह जंगल में अपने रास्ते जाते हुए देखना। देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से ये रिएक्ट भी कर सकते हैं अगर नेटर टच किया जाए तो। ठीक है, हम इसे और परेशान नहीं करेंगे, जंगल की ओर इसे जाने देंगे। अभी अभी हमने एक रफ स्केल सैंड बोआ को रिलीज़ किया है जंगल में। तो दोस्तों जिस बात को मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये है, कई सारे लोग जब हम सांप निकालने के लिए उनके घरों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे आसपास के लोग या वो खुद सांप देखते ही उनका जो पहला रिएक्शन होता है वो ये होता है कि सांपों को हम मार दें। तो दोस्तों मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बोआ निकालते हैं या रैट स्नेक निकालते हैं या फिर कोई भी बिना जहर वाला सांप या कम जहर वाला सांप निकालते हैं, तो हम लोगों को यही कहते हैं कि ये जो सांप हैं इनकी एक अलग उपयोगिता भी नेचर में है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, सिर्फ नेचर में ही नहीं, अगर आपके घर के आसपास रैट स्नेक है या बोआ है या कोई ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता, तो वो एक खास काम करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो चूहे मेंढक छिपकली वगैरह को खा के वहाँ पे इनकी संख्या को कम करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण जहरीले सांप आपके घर में नहीं आते हैं। क्योंकि दोस्तों सांप अगर आपके घर में आ रहा है तो वो चूहे मेंढक छिपकली
या इन 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 सब चीज़ों की तलाश में ही वो आते हैं। और अगर नॉन वेनमस सांप जैसे बुआ हो गया या रैट स्नेक हो गया या कोई और नॉन वेनमस सांप है, वो अगर आपके घर के आसपास दिख रहे हैं और वो अगर चूहे, मेंढक, छिपकली इन सब की आबादी को नियंत्रित कर रहे हैं, तो जहरीले सांपों का आपके घर में आना बहुत कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा, जिससे ह्यूमन कैजुअल्टी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि सांप दिखे तो कृपया उसे मारे नहीं। हमारे टीम के किसी भी सदस्य को आप किसी भी समय कॉल करके सांप निकालने के लिए बुला सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल हैं। उम्मीद है कि आप सभी प्रकृति का रक्षण करने के लिए, प्रकृति को समृद्ध बनाने में हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।